बैक टू माय चैनल नसरीन किचन इन ब्लॉक्स में। देखिए चिकन है ये, आज बनाएंगे बटरफ्लाई चिकन। ये देखिए आलू को इस तरीके से स्लाइसेस काट लेना है और चिकन को साफ धो के नमक मिर्ची अदरक लहसुन थोड़ा दही नींबू चिकन 65 मसाला और ये पूरी चीज़ें लगा के मसाला लगा के रख चुकी थी। इसको करंट जा चुका है, बिजली जा चुकी है और इधर सीख कबाब बन रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए फ्रेंड्स एकदम क्लाइमेट चेंज हो गया है, एकदम मौसम ठंडा पड़ गया माशाल्लाह। देखिए अच्छी सी ठंडी सी हवा चल रही। एकदम हवा चल रही, देखिए ठंडा ठंडा मौसम हो गया आज का रोजे का। देखिए फ्रेंड्स अब बनाएंगे बटरफ्लाई चिकन। ये देखिए इस तरीके से टूथपिक ले लेंगे इसको। देखिए इस तरीके से आलू के स्लाइस ले लीजिए, लेके अब इसमें इसके बीच में ये चिकन का इस तरीके से रख लेंगे। रख के अब ये दोनों चीज़ों को इस तरीके से प्रेस करके इसके बीच में से चिकन को भी और ये आलू के चिप्स को भी इस तरीके से लगा लेंगे। देखिए हमारा बटरफ्लाई चिकन बन चुका है। देखिए एक और बनाएंगे। ये देखिए इसको मेरे एक पीस इस तरीके से रख लेंगे और इसको नज़दीक करके और ये आलू को और चिकन को दोनों को इस तरीके पूरा लेंगे। ये देखिए हमारा बन के तैयार है माशाल्लाह। ये देखिए ये देखिए इसको भी लगाएंगे। अब इसको भी एकदम जूसी जूसी हमारा बटरफ्लाई चिकन बनके तैयार हो जाएगा। फिर एक पीस ले लेंगे, फिर को इसको भी इसको बीच में इस तरीके से रखेंगे। रख के फिर से इसको एक पिन लगा लेंगे टूथपिक। ये देखिए हमारे बटरफ्लाई चिकन बन के है, इसी तरीके से सभी बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे शीख कबाब माशाल्लाह अच्छे से बन चुके हैं। पंठा के दाल नहीं हाँ पंठा के दाल तो तेल पर डालो दे।
दोजख के अजाब से, कब्र के अजाब से और जहन्नम के आग से बचा। आमीन। अल्लाह हमें नेक बना दे। आमीन। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक टॉपिक और नेक हिदायत अता फरमा। आमीन। अल्लाह हमारे बच्चों की जिंदगी आसान कर दे। आमीन। अल्लाह हमारे बच्चों के इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। आमीन। अल्लाह हमें अपने माँ बाप की तरफ प्यार से और सब्र से पेश आने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह तमाम उम्मत मुसलमा की जायज दुआ कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह हमारे दुआओं को अपने फजलो करम से, अपने रहम करम से कबूल फरमा। आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आमीन। व क़िना अज़ाबल क़ब्र। आमीन। व क़िना अज़ाबल फ़र्ज। 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 आमीन। व क़िना अज़ाबल मर्ज। आमीन। तेरे दरबार में मेरा रोजा कबूल फरमा। नमाज में, रोजे में, कुछ गलती रहता माफ फरमा। बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह। पानी देता ना। ये है बटरफ्लाई चिकन। चिकन 65, दही वड़ा, आलू कटलेट, शीख कबाब, गोपाल के कबाब, माशाल्लाह गोपाल के शीख कबाब है। मोहब्बत का शरबत है माशाल्लाह। मोहब्बत का शरबत है फ्रेंड्स। ये है बनाना मिल्क शेक, ड्राई फ्रूट्स बनाना मिल्क शेक है। ये कबाब की चटनी है माशाल्लाह। कबाब को इस तरीके से डिप करके और इसको तरीके से खाना चाहिए। वैसे कबाब अच्छे है बच्चों। इरफान माशाल्लाह कैसे बने जी? वसीम, आकिफ, तस्लीम अच्छे है ऐसा बोलो, आवाज बुलंद आवाज आना। देखिए फ्रेंड्स इसकी चटनी है ये कबाब को, इसकी चटनी खा रखे तो माशाल्लाह इसका टेस्ट है टेस्ट जबरदस्त। शेख कबाब तो बिजली नहीं थी फ्रेंड्स इसलिए
पूरी रेसिपी आप लोगों को मैं दिखा सकी रोशनी नहीं रहने की वजह से सब थोड़ा थोड़ा क्लिप निकालें। इंशाल्लाह पूरी रेसिपी दूंगी मैं एक बार इसकी कबाब की ज़रदे चटनी डाल दो। शेरू भी तारीख शेरू 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 शेर बाबा इधर देखो अम्मा शेरू कैसे बैठा देखो इसके ऊपर इरफान के पैर पे माशाल्लाह। और देखो पायल देखो पलंग पे बैठ के खा रही है महारानी शेरू पायल पायल खाने में बिजी है कबाब खाने में शीख कबाब सब खा रही है अपने से बच्चे सुकून से पेट भर के खा रही है माशाल्लाह तो मज़ेदार सब प्लेट खा दी है। ये सब बच्चों के लिए बनाना पड़ता है बच्चों के लिए मेहनत करना पड़ता है छोटे छोटे खाने वाले बच्चे खाने के शौकीन बच्चे हैं बच्चे हैं खाने के शौकीन है खाने वाली परंपरा है अच्छा खाना खाने शाही पकवान होना है लोग चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही इफ्तार का और ये छोटा सा इफ्तार का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल की घंटी को जरूर क्लिक कीजिए और आप लाल ऑप्शन को भी क्लिक कीजिए शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स जब चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए एक लाइक करके जाइए। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अगले रेसिपी के साथ तब तक अल्लाह हाफिज लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलो बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए इंशाल्लाह।